दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अलग अलग कलर की जो गेंद होती है वो अलग अलग फॉर्मेट में क्यों यूज की जाती है। यहाँ तक कि हमने जाना था कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल मैचों के लिए गेंद बनाती है और अलग अलग कंट्री जो होती है अलग अलग कंपनी की गेंद यूज करती है और इससे हर कंट्री को क्या फायदा होता है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी हमने पिछले वीडियो में ले ली है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीसी ने एक क्रिकेट गेंद के लिए क्या स्टैंडर्ड साइज और शेप यहाँ तक की रूल सेट की है, साथ ही साथ एक अंपायर, एक क्रिकेट बोर्ड, एक फील्डर, यहाँ तक कि जो कंपनियां गेंद बनाती है उसके लिए भी क्या रूल्स रेगुलेशन सेट किए हैं आईसीसी ने, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और गूगल स्पोर्ट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। दोस्तों इंटरनेशनल मैचों में जो गेंद यूज होती है वो फोर पीसेस गेंद होती है। जनरली दोस्तों दो टाइप की गेंद होती है, एक होती है टू पीसेस गेंद और दूसरी होती है फोर पीसेस गेंद। लेकिन दोस्तों फोर पीसेस और टू पीसेस गेंद क्या होती है ये अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। टू पीसेस जो गेंद होती है वो दो हिस्सों से जोड़कर बनाए जाते हैं, यानी कि पीस यानी कि एक गेंद के दो पीस जोड़कर एक गेंद बनाई जाती है उसको टू पीसेस गेंद कहा जाता है। और जो गेंद चार हिस्सों से यानी कि चार पीसेस से बनाई जाती है जिसका एक हाफ हिस्सा दो हिस्सों को जोड़कर एक हाफ हिस्सा बनता है और वो दो हिस्सों को जोड़कर जो पूरी गेंद बनती है यानी कि किसी भी चार पीसेस से जो गेंद बनती है उसको फोर पीसेस गेंद कहते हैं। इसका क्या फायदा है टू पीसेस गेंद का और फोर पीसेस गेंद का और इंटरनेशनल मैचों में फोर पीसेस गेंद क्यों यूज किए जाते हैं अब जान लेते हैं। दोस्तों जनरली जो टू पीसेस गेंद होती है उसका साइज इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा साइज जो होता है वो फोर पीसेस का होता है। उस टू पीसेस जो गेंद होती है वो ज्यादा ओवर तक नहीं टिक पाती, उसको प्रैक्टिस के लिए अच्छे से यूज किया जा सकता है, वो मिनिमम ओवर तक टिक जाती है। लेकिन जो फोर पीसेस गेंद होती है वो ज्यादा देर तक टिकती है और उसका जो साइज और शेप होता है वो जनरली चेंज नहीं होता जल्दी, तो इसके कारण इंटरनेशनल मैचों में जो है वो फोर पीसेस गेंद जो यूज की जाती है। और ये जो स्टैंडर्ड रूल है वो जो कंपनियां इंटरनेशनल मैचों की गेंद बनाती है उनके लिए काफी लागू होता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मैचों के लिए आईसीसी ने क्या स्टैंडर्ड साइज और शेप एक गेंद के लिए सेट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि वेट के बारे में, तो एक गेंद का वेट कितना रहना चाहिए आईसीसी के हिसाब से, तो एक गेंद का जो वेट है वो 155.9 से 163 ग्राम तक रहना चाहिए, यानी कि इसी की बेच किसी भी गेंद का वेट जो है रहना चाहिए। उसके बाद जान लेते हैं कि एक गेंद की साइज यानी कि सर्कमफेरेंस कितना रहना चाहिए, तो एक गेंद का जो सर्कमफेरेंस है वो 22.4 से 22.9 तक ही रहना चाहिए, इसके बीच ही किसी भी गेंद का सर्कमफेरेंस रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर बात करें अलग अलग फॉर्मेट की तो अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग वेट सेट किया गया है लेकिन सर्कमफेरेंस सेम ही रखा गया है जो कि 22.4 से 22.9। लेकिन वेट की बात करें तो टेस्ट में जो स्टैंडर्ड वेट सेट किया गया है वो है 155.9 से 160 ग्राम तक, यानी कि टेस्ट मैचों में जो गेंद होती है इसका जो वेट होता है इसी के बीच रहना चाहिए। और ये सभी जो रूल्स होते हैं वो एक गेंद बनाने की कंपनी जो भी कंपनियां गेंद बनाती है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें वनडे की, तो वनडे में जो गेंद यूज की जाती है उसका जो वेट है वो स्टैंडर्ड वेट ही है जो कि 155.9 से 163 ग्राम के बीच ही रहना चाहिए। लेकिन जो T20 में गेंद यूज होती है वो सबसे ज्यादा वेटेड होती है, यानी कि बाकी बचे दो फॉर्मेट से सबसे ज्यादा वेट T20 गेंद का होता है जो कि 162 ग्राम से 163 ग्राम, यानी कि इसी के बीच जो T20 गेंद यूज होती है उसका वेट इसी के बीच रहना चाहिए जो कि है 162 to 163 ग्राम। तो दोस्तों ये हो गई स्टैंडर्ड साइज और शेप के बारे में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक क्रिकेट बोर्ड, एक अंपायर और एक फील्डर के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन सेट किए आईसीसी ने एक इंटरनेशनल गेंद यूज करते समय। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों जब भी किसी दो टीमों के बीच मैच हो रहा होता है और होम क्रिकेट बोर्ड जो मैच अरेंज कर रहा होता है उसको 30 दिन पहले सामने वाले टीम के क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म करना होता है कि वो कौन से कंपनी का गेंद यूज करने वाला है और उसका स्टैंडर्ड साइज और शेप क्या रहने वाला है, और उसका स्टैंडर्ड साइज और शेप जो है आईसीसी से अप्रूव्ड रहना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड साइज और शेप जैसे कि वेट जो साइज हो गई उस सर्कमफेरेंस और वो फोर पीसेस से बना हुआ चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई है क्रिकेट बोर्ड के बारे में। उसके बाद जिस दिन मैच होने वाला होता है उस दिन फोर्थ अंपायर को कम से कम 6 गेंदे फील्डिंग करने वाले यानी कि गेंदबाजी करने वाले टीम के ड्रेसिंग रूम में लेके जाना होता है और उस टीम के कप्तान और किसी भी फील्डर को एक गेंद चुनकर देनी होती है जिससे वो गेंदबाजी करना चाहिए हो, और वो गेंद जो होती है वो अंपायर अपने पास रखते हैं
फील्डर उनको उसी टाइम नहीं देते। जब भी दोनों ऑनफील्ड अंपायर ग्राउंड पे आते हैं तब वो गेंद लेकर आते हैं और गेंदबाजी करने वाले टीम के कप्तान को मैच शुरू होने से कुछ ही टाइम पहले वो गेंद सौंप देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब भी मैच चालू नहीं होता यानी कि रुका हुआ होता है तब जो गेंद होती है वो अंपायर को अपने पास रखनी होती है, फील्डर उनको अपने पास रखने के लिए अलाउड नहीं है। जैसे कि दोस्तों कोई भी ओवर खत्म हो गया, ड्रिंक्स ब्रेक हो गया, विकेट गिर गया हो या किसी फील्डर को इंजरी हो गई हो तब अंपायर को गेंद अपने पास रखनी जरूरी होती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा ही होगा कोई भी विकेट गिरा हो या तो गेंद ओवर खत्म हुई हो तो गेंद जो है वो फील्डर अंपायर को दे देता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ये भी एक आईसीसी का रूल्स है जिसके कारण वो ऐसा करते हैं। दोस्तों ये हो गए एक फील्डर और अंपायर के रूल। अब जान लेते हैं कि गेंद को चेंज कब किया जाता है यानी कि नया गेंद कब मिलता है और गेंद को रिप्लेस कब किया जाता है। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले टेस्ट मैचों की, दोस्तों टेस्ट मैच में जब मैच शुरू होता है तब एक नया गेंद मिलता है और वो 80 ओवर तक चलता है। लेकिन दोस्तों जब 80 ओवर हो जाते हैं तो दूसरा नया गेंद मिलता है। लेकिन जब वो 80 ओवर खत्म होने के बाद भी अगर कप्तान कुछ और करना चाहता है उसी गेंद से तो वो कर सकता है। लेकिन उससे अब लगे कि ये गेंद से मैं गेंदबाजी नहीं करना चाहता, मुझे नई गेंद चाहिए, तो वो अंपायर के पास अपील कर सकता है और अंपायर उसको नई गेंद ला के दे देता है। और दोस्तों T20 और वनडे की बात करें तो वनडे और T20 में सिर्फ शुरुआत में ही नई गेंदें मिलती है, उसके बाद कभी भी नई गेंद नहीं मिलती। वनडे की बात करें तो वनडे में स्टार्टिंग में दो नई गेंदें मिलती है और T20 में सिर्फ एक ही गेंद मिलती है। लेकिन वनडे में दो गेंदें क्यों मिलती है, क्योंकि दोनों साइड से अलग अलग गेंद यूज होती है यानी कि एक अल्टरनेटिव गेंद के बाद एक अल्टरनेटिव ओवर के बाद एक गेंद चेंज की जाती है। पिच के एक साइड से एक बॉल यूज होता है तो पिच के दूसरे साइड से दूसरा बॉल यूज होता है ओवर के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों T20 में सिर्फ एक ही गेंद होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि गेंद को रिप्लेस कब किया जाता है। दोस्तों गेंद को रिप्लेस तभी कर किया जाता है जब गेंद में कुछ खराबी हो, या तो गेंद का शेप जो है चेंज हो जाए या तो गेंद लॉस्ट हो जाए यानी कि गेंद गुम हो जाए। ऐसी स्थिति में गेंद शेप चेंज की जाती है। लेकिन जब गेंद चेंज की जा रही होती है तब वो गेंद उसी गेंद से चेंज की जाती है जितने ओवर तक वो गेंद खेली गई हो। समझो एक मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच या किसी भी टीम के बीच, तब एक गेंद 40 ओवर तक खेली जाए और उसमें कुछ खराबी आ जाए या तो वो गुम हो जाए तो ये लॉस्ट हो जाए, तब अंपायर 40 ओवर की वो खेली गई गेंद ही लाता है। जब फोर्थ अंपायर जो गेंद लाते हैं उसमें सभी गेंद लगभग 40 ओवर के बीच ही खेली गई हो या तो 41-39 ऐसे बीच के ओवर में खेली गई हो गेंद लाता है। उसी में से एक गेंद चेंज उठाकर अंपायर गेंदबाजी वाले टीम को देता है। लेकिन उससे पहले उसका पूरा स्टैंडर्ड चेक होता है कि वो खेलने के लिए सही है नहीं, उसके बाद ही वो गेंद दी जाती है। तो दोस्तों ये हुई पूरी जानकारी जो कि आईसीसी ने एक रूल सेट किए गेंद के बारे में अंपायर्स के लिए, फील्डर्स के लिए, एक क्रिकेट बोर्ड्स के लिए और जो कंपनी गेंद बनाती है उसके लिए। तो ये सारे रूल्स जो है आईसीसी ने सेट किए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अब भी आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर जरूर पूछना। आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।